शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। कहते हैं कि एक गांव में तीन भाई थे। तीनों ने बाहर जाकर के कमाने के लिए प्लान किया और तीनों निकल पड़े। रास्ते में उनको एक यात्री मिला जो किसान था, वो भी उस तरफ जा रहा था, तो उस किसान को भी उन्होंने साथ में ले लिया। चारों रात को एक मंदिर में पहुंचे। एक्चुअली वो तीनों भाई बड़े ठग थे, तो उन्होंने क्या किया, किसान को बोला जाकर के खाना लेकर के आओ। किसान भोजन लेकर के आया और जब वो किसान लेके आया तो उन्होंने क्या किया, किसान को इधर उधर की बातों में उलझा करके सारा भोजन खत्म कर दिया। तीनों ने पेट भर के खा लिया, किसान भूखा रह गया। फिर दूसरे दिन किसान ने समझ लिया कि अब मुझे भी कुछ सामने चतुराई करनी पड़ेगी। दूसरे दिन सुबह उन भाइयों ने किसान को कहा कि जाकर के लड्डू लेकर के आओ, तो वो लड्डू लेने गया और रास्ते में आते आते अपने हिस्से का लड्डू खा गया। जब वो आया तो भाइयों ने देखा कि लड्डू तो कम है, तो भाइयों ने उनको पूछा कि तुम्हारे हिस्से का तो इसमें लड्डू कम है, वो कम कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या किया तुमने? तो कहा कि मैंने मेरा लड्डू खा लिया। तो बोला ये तुमने क्या किया, कैसे खा लिया? तो किसान ने क्या किया, उसके हाथ में जो भाइयों के लड्डू थे वो भी मुंह में डाला और बोला ऐसा खा लिया। भाई लोग देखते रह गए। फिर उनको लगा अब हमें फिर से इनसे कुछ तो बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रात को खीर बनाई और खीर बना करके ये सोचा कि अभी हम सो जाते हैं, जिसको बहुत अच्छा सपना आएगा सुबह सुबह पहले वो खीर खाएगा। बोला ठीक है। और रात को किसान ने क्या किया, जब तीनों भाई सो गए पूरा ही खीर खा गया। जब सुबह हुई तो एक भाई ने उठ करके कहा कि मैंने जो सपना देखा ना, तो उसमें जयपुर का नरेश राजा देखा, उन्होंने मुझे अपने खुद के दरबार में बुलाया और मुझे बहुत मान दिया, मेरा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दूसरे ने भी कहा कि मैं तो अजमेर पहुंच गया था और वहां के दरबार में नर्तकियां नृत्य कर रही थी, मैं उस आनंद का लाभ ले रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो तीसरे ने कहा कि मैं तो मक्का मदीने में पहुंच गया। जब किसान का नंबर आया तो किसान ने कहा मैंने तो ऐसा देखा कि एक बलवान व्यक्ति मेरे सामने आया और मुझे मारने लगा और इतना मार रहा था और कह रहा था तो ये खीर खा, जल्दी से खीर खा, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, और जबरदस्ती मुझे उसने सारी खीर खिला दी। भाइयों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि आपने हमको जगाया क्यों नहीं, हम आपको बचा लेते थे ना। तो किसान ने कहा कि आप कैसे बचाते, मैं कैसे जगाऊं, आप तो यहाँ थे नहीं ना, अलग अलग शहरों में चले गए थे, तो आप मुझे कैसे मदद कर सकते थे। अब तीनों को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, वैसे बुरे कर्म का फल बुरा निश्चित होता है। ये हम याद रखें और सदैव अच्छे ही जीवन के अंदर कर्म करें। ओम शांति।